तो यार हम बड़ौदा से निकल चुके भोपाल विदिशा के लिए। बैक टू अनदर वीडियो। निकल रहे हैं बड़ौदा से भोपाल के लिए, भोपाल विदिशा। तो ये हमारी दूसरी गाड़ी, ये भी जाएगी साथ में, पर ये दूसरी जगह जाएगी, हम लोग दूसरी जगह। तो आगे से हमें लेना है लेफ्ट, तो पहुंचेंगे दिल्ली वाला रोड पकड़ना हम लोगों को, तो दिल्ली वाला रोड पे मिलते हैं। दादा आवत हो, आवत हो दादा। यार हम लोग कान मार चुके हैं, हमारी दूसरी गाड़ी, तो इसमें गाड़ी कितने गया था बैठ के पैसा निकालने के लिए एटीएम। तो मेरी गाड़ी अभी आ रही है और ये निकल रहे हैं। तो हम लोग हलोर बड़ोदरा हाईवे पे आ चुके हैं, दिल्ली वाले पे। और मेरी दूसरी गाड़ी वो रही है, तो भाई सामने आ रही है एरोप्लेन। यार मुझे मज़ा आता है यार गाड़ी चलाने में, क्योंकि एरोप्लेन की जैसा दिखता है ना इसके लिए। तो फाइनली गाड़ी में बैठ गया और निकल चले एमपी के लिए। और वो रही मेरी दूसरी गाड़ी सामने। यार ये स्लो क्यों है यहाँ पर, ये तो कब का निकल चुके थे। तो चलो कोई बात नहीं, ये इनके मन का मन है साथ में चलने का, तो साथ में चले, नो प्रॉब्लम। तो अभी आगे है टोल, तो यहाँ से कटाएंगे टोल, फिर टोल कटाने के बाद सीधा निकलेंगे टोल कटाते हुए होटल पे रुकते हुए। तो चलो थोड़ा फास्ट करते हैं। पल्सर से कार वाले ने पल्सर को ठोक दिया, बस एक आदमी जख्मी है, उसका बस सिर फटा है। चलो यार तो रोड पे अक्सर होते रहते हैं, पर बस यही गुजारिश है जो भी गाड़ी चलाए यार रोड पे सोच समझ के थोड़ा चले, आगे पीछे देख ताके, उसके बाद ही इधर उधर आदमी मुड़ाए मोड़े या जो भी करे देख वो के। यार थोड़ी सी मिस्टेक डाल दी जा सकती है, तो इसका उसके हिसाब से गाड़ी चलाना चाहिए यार। चलो जो हुआ सो हुआ, चलो यार कंटिन्यू करते हैं। अरे पवन चक्की के पंखे देखो यहाँ पर आके इकट्ठा हुए हैं। तो यार सारे पवन चक्की के जो पंखे होते हैं ना, सब सारे इस कंपनी में इकट्ठा हो गए थे पीछे। तो यार सारे के सारे यहीं पे आते हैं और यहाँ से गुजरात, गुजरात में है मतलब जहाँ जहाँ पर इन लोग सब की आवश्यकता होती है वहाँ वहाँ पर इस कंपनी में से निकल के सारे पवन चक्की के पंखे जाते हैं। तैयार हो गई है शाम, बज रहे शाम के 5:35। तो निकलते हैं यार, लगता है आज भी रुकना पड़ेगा कहीं पे, नहीं पहुंच पाएंगे कल। तो देखते हैं क्या होता है, चलो कंटिन्यू। तो फाइनली भाई हम लोग आ गए हैं गोधरा, और गोधरा से अपना मार लिए लेफ्ट टर्न राइट। तो
तो अब सीधा जाएंगे इंदौर, जो कि इंदौर यहाँ से 266 किलोमीटर सामने दिखा रहा है। तो चलो चलते हैं इंदौर और फिर वहाँ से मारेंगे अपना भोपाल के लिए, फिर लेफ्ट राइट वहाँ, अभी मारेंगे लेफ्ट फिर मारेंगे राइट, नहीं राइट, दो राइट मारना है अपने को, फिर मारना है लेफ्ट, तब जाके जहाँ पर हम लोगों को खाली करना है वहाँ पहुँच जाएंगे। तो चलो अभी हो गई रात और रात के बज रहे हैं 6:47, तो कंटिन्यू करते हैं अपना जर्नी, तो मिलते हैं आगे, तब तक के लिए बस फर्स्ट। तो भाई जहाँ से हम लोग गोधरा के लिए मारे थे इंदौर जाने के लिए राइट, फिर वापस ही उसी यानी वहीं से मोड़ पे आके रुक गए हैं, क्योंकि ये होटल है सामने, तो यहीं पर हमारी ये दूसरी गाड़ी रुकी थी, तो अपनी भी गाड़ी लाके यहीं पर रोक दिए। उधर से वो भैया ने फ़ोन किया कि आ जाओ यहीं पर होटल पे रुकेंगे रात भर। तो चलो कहीं पे खाते हैं सोते हैं, ये मेरे उस्ताद लोग बहुत बाजी करते हुए। तो यार खाना तो खा लिए पर यहाँ पर रात रुके नहीं, क्योंकि यार जहाँ पर जिसका मतलब माल लोड है अपनी गाड़ी में, वो लोग सुबह से 3 बार कॉल कर चुके हैं, जहाँ तक कि डेट है हम लोगों को 5 दिन में इनका माल छोड़ने के लिए, तो वो लोग बोल रहे हैं 23 तारीख को आओ, 23 तारीख को आ जाओ फटक से, कल मुझे माल चाहिए। तो निकल चुके हम लोग होटल छोड़ के और उन भैयों को भी छोड़ के यहीं पर, तो फिर से हम लोग मार लिए लेफ्ट होटल पर से। तो निकलते हैं यार, अपनी गाड़ी ले रही है अभी टर्न यार, वो देखो धुआं उड़ रहा है, धुआं धूल है, धुआं नहीं। चलो यार कंटिन्यू करते हैं यार, आज सोने को भी नहीं मिलेगा। तो यार सामने रहा बॉर्डर, एमपी बॉर्डर, तो सामने है एमपी बॉर्डर, तो आ गए हम बॉर्डर पे। तो ये पड़ता है पेट्रोल बॉर्डर, तो यार हम लोग पेट्रोल बॉर्डर से होके ज़्यादा जाते हैं भोपाल गुजरात और एमपी में, फिर पेट्रोल बॉर्डर से क्रॉस करते हैं फिर निकलते हैं, फिर यार आगे ही मछलिया घाट, तो देखो क्या होता है मछलिया घाट पे रुकते हैं या जाते हैं, क्योंकि मछलिया घाट पे होता है चोरी और मार उड़ देते यार, बुरा बहुत बुरा मारते हैं, जो साथ में रहता है वो भी छीन लेते यार, थोड़ी सी भी रहम नहीं करते। चलो देखते हैं आगे, पहले पेट्रोल बॉर्डर पार करते हैं। क्या टाइम हो रहा है अभी हम लोगों का, लगभग 11 के करीब होगा यार, टाइम देखा नहीं, 11 के करीब करीब होगा। तो निकलते हैं यार, इधर से निकले थे हम लोग 7 बजे पकड़ लो, 7 बजे निकले थे, अभी बज रहे हैं 11, तो चलो पार करके मिलते हैं यार। तो फाइनली यार चलते हैं, अब यहाँ काटा हो गया बॉर्डर पे, काटा होने के बाद यार देता है एक पर्ची, उधर 1200 रुपये में पास होती है किसी का, यानी जैसे गाड़ी रहती है वैसे ही पास होती है, तो मेरी कार गाड़ी है यानी कार टेलर। तो चलते हैं पहले 1200 रुपये की पर्ची पास कराते हैं, चलो पास कराने के बाद आप आगे मिलूँगा, बने रहो वीडियो पे। अभी तक नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब करके रखो यार, मैं ऐसी वीडियो लाता हूँ, बहुत मेहनत करता हूँ बनाने के लिए, तो चलो यार लाइक कर देना। यार बॉर्डर तो हो गई पर्ची अपनी पास, बॉर्डर नहीं पर्ची पास हो गई, तो निकलते हैं आगे अब। तो यार अभी आगे घुमा के गाड़ी लाना पड़ेगा, तो थोड़ा सा अभी फॉरवर्ड कर देता हूँ, क्योंकि अभी आगे बहुत जाना पड़ेगा, तो आगे से घुमा के फिर यू टर्न लाना, इसके पीछे लगाना पड़ेगा। तो लो जी आ गए उन दोनों गाड़ियों को पीछे, तो अब इधर से अब धीरे धीरे पास करना होगा, क्योंकि लाइन तो लगी है, तो अभी सामने वाली गाड़ी का शायद पर्ची पास नहीं है, तो भैया थोड़ा लेंगे आगे, पहला तो ले लो भाई जी एंड उस्ताद जी ले लो आगे, यस। तो चलो
यार लंबी गाड़ी है ना, इसके लिए निकलती नहीं है, परेशानी हो जाती है निकलने में। तो चलो कैसे भी करके चढ़ा उड़ा के निकालते हैं इसी में, यल बना के। यल सेप जानते हो ना टेलरों का, तो बस यल सेप जैसे भी करके बना के निकलते हैं। तो चलो कंटिन्यू करते यार। तो जो पर्ची पास होती है भाई, तो यहाँ पे देना पड़ता है, यही मेन है। तो यहाँ पर पर्ची हो गई हमारी पास, वहाँ से पर्ची को यानी ओके कराना पड़ता है। फिर यहाँ पर वो पर्ची आदमी देखता है, एक पर दो पर्ची रहती है, तो एक पर्ची ड्राइवर लेता है, एक पर्ची यहाँ पर जमा होती है। तो फाइनली कंप्लीट हो गया, अब निकलते हैं आगे। तो उस्ताद बोल रहे हैं कहीं पर होटल पर लगा के सोएंगे, तो चलो चलते आगे, कहीं होटल देखते हैं कोई बड़ा सा। यार बने रहो, और नहीं बने हो तो बने रहने के लिए यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर लो। तो चलो कंटिन्यू करते हैं फिर। तो यार उधर से निकल के आए हैं, तो ये सामने ये वो एक होटल दिखा, तो इसके अंदर डालनी है अपनी गाड़ी। तो वॉचमैन भाई आ जाओ आ जाओ, गाड़ी किधर डालनी है वो भी बता दो। तैयार आ गया वॉचमैन, तो चलो ले चलते हैं अंदर गाड़ी को। तो यार बाहर से जगह नहीं दिख रहा था, क्योंकि सामने सारी गाड़ी लगी थी, और अंदर यार है अभी कम से कम 6-7 गाड़ियां अंदर खड़ी हो जा सकती हैं मेरे जैसी। तो लगाते हैं यार सटा के गाड़ी, यार गेट खोलने भर के छोड़ देना यार। तो चलो यार बोल रहा है एकदम सटा के लगाओ, सटा के लगाएंगे तो गाड़ी की गेट कैसे खुलेगा। तो बस वो तो वॉचमैन सब बोलते हैं सटा सटा के लगाए, थोड़ा सा गेट ना बचे तो ड्राइवर उतरेंगे कैसे यार। तो उनकी नहीं सुनो, अपनी सुनो और अपने हिसाब से चलो, लगाओ जो भी करना हो। चलो थोड़ा आगे पीछे करके गाड़ी को सही कर लेते हैं, सीधा कर लेते हैं। चलो तब यार, तो यार क्या हुआ अभी तक सब्सक्राइब कर लो नहीं किए, तो यार क्या हुआ अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, यार फटाफट सब्सक्राइब कर लो और लाइक का बटन दबा दो, और क्या मिस्टेक हो रहा है यार वो भी बता दो, और क्या बोलते यार भूल गया। तो यार वही सब्सक्राइब कर लो, लाइक का बटन दबा दो, क्या गलती नहीं कमेंट में ज़रूर बताओ यार, और जो नहीं जानता अभी बताओ। तो चलो यार मिलते हैं कल सुबह में, तब तक के लिए बाय एंड गुड नाइट।